हाँ, रेपो बिल्डिंग के लिए हमें ढालना होता है दूसरे बंदे की तरह, उसकी उसकी पिक्चर बन जाना है, उसका मिरर बन जाना है, यानी वो शीशे में अपने आप को देख रहा है, मैं उसका मिरर बन गया हूँ, मैं मिन्हा का मिरर बन गया हूँ, मिन्हा जो है मुझे देख रही है, ठीक है, वो मेरे आईने में अपने आप को देख रही है, उसे अपना आप मेरे अंदर नज़र आ रहा है, ये क्यों? गुड रेपो बिल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने सेकंड क्या पूछा? कि खुद अपने आप को उसी मुताबिक ढालना होती है, उसी ढालना, उसके मुताबिक। मुताबिक ढालना। तो ढालना का क्या है, सांचे में कोई चीज़ डालते हैं तो सांचे के मुताबिक बन जाती है, ठीक है। तो मैं जो है नायाब के मुताबिक जो है अपने आप को ढाल लेता हूँ तो रेपो बिल्डअप हो जाती है। सर, जिस तरह हम कहते हैं अक्सर कि कुछ लोग हमारे क्लोज हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उनके साथ हमारी अच्छी रेपो बिल्डिंग होती है, ऐसे हम अनकॉन्शियसली, जो अच्छे दोस्त हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली प्ले कर रही होती हैं रोल, उसमें अनकंडीशनल लव भी आ जाता है ना। वो जो अनकंडीशनल लव है वो एक्चुअली एक दूसरे में आपको अपना आप नज़र आ रहा होता है। जब मुझे अपना आपके अंदर नज़र आएगा तो मैं, क्योंकि मैं अपने आप को लव करता हूँ ना, अपने आप को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी बॉडी, मेरा जिस्म, मेरी हर एक चीज़, जब वो मुझे कहीं और नज़र आती है तो मैं उसको भी लाइक करना शुरू कर देता हूँ। एक्चुअली मैं अपने आप को लाइक कर रहा होता हूँ, मैं उस बंदे को नहीं लाइक कर रहा, ठीक है ना, मैं अपने आप को लाइक करूँ। मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे जो है नायाब में या किसी और में नज़र आती हैं, तो मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, मुझे वो बंदा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको अपना आप नजर अपना आप हम अपने आप को लाइक कर रहे होते हैं इन फैक्ट, ठीक है ना। तो पीर और मुरीद की भी यही मिसाल है, है ना। मुरीद जो है वो पीर को इसलिए लाइक करता है कि उसको अब आईने में अपना आप नज़र आ रहा होता है, ये पीर साहब जो है वो आईना बन जाते हैं, ठीक है ना। तो असल बात ये है।